कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। भोलेनाथ की कसम, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहुरानी, किसी की नजर ना लगे, बहुत सुंदर लग रही है सच। सुरूप जी चले। एक सेकंड जी। मिस्टर अग्रवाल, क्या अभी इस वक्त? ठीक है, आप एक काम करिए, आप मीटिंग को कंटिन्यू करिए, हम बीच में से ज्वाइन करते हैं। सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा। दरअसल वो मीटिंग भैया और पापा को अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में है किसी काम के लिए, तो अब हमें जाना पड़ेगा। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ही है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे, फिर चलते। क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े क्यों खराब कर रही हो तुम? दृष्टि, तो क्या कर रहे हो? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो हमारे साथ वैसे भी नहीं चल रहे। रूप जी, अगर आपको हमारे साथ जाना ही नहीं था तो आप साफ साफ बोल देते ना, यूं बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? सृष्टि बेटा रुको, हम बात करते हैं। गलत बात है ध्रुव बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, तुम्हें इस तरह से बेचारे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तुम्हें हमारी सृष्टि बहुरानी के साथ जाना ही नहीं था तो पहले से बता देते। ध्रुव जी, अगर मीटिंग अटेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता ही है तो आपकी जगह हम चले जाएं? देखा ध्रुव जी, हल मिल गया। ये जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है हमारी सृष्टि बहुरानी। धानी तुम्हारे बदले तो जा ही सकती है ना, और वैसे भी कानूनी तौर पे तो वही तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हारे लिए इतना काम तो वो कर ही सकती है। है ना धानी, तुम चली जाना, ठीक है? अब जाइए दीदी के साथ। मिस्टर अग्रवाल, हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी जगह मिसेस धानी ध्रुव पांडे आएंगे। रंग जाऊं तेरे रंग में। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तो तुमसे अपना सिंदूर और मंगलसूत्र लिया है, बहुत जल्द ये नाम भी वापस लूंगी। चले। सृष्टि बहुरानी, बाय बाय, अच्छे से वक्त बिताना। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ साथ में, है ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आई धानी बच्चा, कि आपने सृष्टि को ध्रुव के साथ जाने क्यों दिया? पापा बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो क्या है कि दीदी का दर्द हम समझ सकते हैं, तो उनके दर्द और गुस्से में वो अच्छाई और बुराई के बीच सारी रेखा ही ना मिटा दे, इसलिए वो जो कर रही है हम उन्हें करने दे रहे हैं। और अगर इस वजह से ध्रुव बच्चा सृष्टि के करीब हो गए तो? नहीं पापा, हमें नहीं लगता ऐसा होगा। ध्रुव जी पर पूरा भरोसा है हमें। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि होली वाले दिन अगर दीदी नहीं आई होती तो ध्रुव जी हमें अपना लेते, क्योंकि उनकी आंखों में हमने उनका एहसास साफ साफ देखा है। इसीलिए हमें पूरा यकीन है पापा, ध्रुव जी हमें यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चे,
एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो बाकी की बातें आगे करते हैं। जी पापा, हैप्पी जर्नी। जिया 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 जिया। साहब, आपकी चाय। एक सेकंड सिस्टर। रूप जी, हमें पता है आप बहुत परेशान हैं, इसलिए आपके मन में जितनी भी उलझने हैं ना, उन्हें हम सुलझाना चाहते हैं। अब वो दरअसल हम आपसे धानी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम पानी लेके आते हैं। ध्रुव जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धानी की वजह से अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? वो इस लायक नहीं है, उसकी सच्चाई हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ध्रुव जी, यकीन मानिए, वो हमारी बहन है, हमें पता है वो कितनी जिद्दी है, हमेशा जो वो चाहती है ना वही करती है। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। वरना आप ही सोचिए ना, हम दोनों को एक साथ बाहर जाने से उसने रोका तक नहीं। हमें तो लगता है उसके पीछे ना उसका कोई मकसद जरूर होगा जो अभी हमें पता नहीं चल रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं देता क्या? चाचा चाचा, अरे जल्दी कर, शुरू हो जा। अरे पर जीजी, हमारा एक्टिंग करना जरूरी है क्या? आप नहीं कर सकती? नहीं, सास तुम हो, कहा तो लग जाए ढक से। सास तुम हो और हमसे मोटी भी। क्या कहा? मतलब तुम दिल का दौरा पड़ने की एक्टिंग करोगी तो लोग सच समझेंगे। अरे हम तो अभी एकदम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कोई मानेगा ही नहीं कि नाटक कर रहे हैं। कहे कि हम जीरो फिगर है ना, तुम 100 फिगर हो। अरे ये सब बाद में करेंगे। क्या कहा आपने? मतलब अब हम नहीं करेंगे। अरे रूपा प्लीज कर, कर, हमारे लिए कर दो रूपा। मैं देखो धानी घर से बात। अच्छी तरह से ये क्यों नहीं कहती कि आपसे हम जैसी अच्छी एक्टिंग होगी नहीं? अरे हां नहीं होगी हमसे, करो तुम। रुको, हम करते हैं। करना तो पड़ेगा। हे रंग देवता,
डॉक्टर, सांस अटक रही है। क्या हुआ माँ? धानी, धानी डॉक्टर को फोन करो ना, देखो इसकी हालत कितनी खराब है। मर जाएंगे आप। ऐसा मत करो माँ। हेलो डॉक्टर, हम धानी बोल रहे पांडे निवासी। अब प्लीज जल्दी आ जाइए ना, एक इमरजेंसी। बहुत सीने में दर्द हो रहा है। आ, 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 यहां होता है बेवकूफ। इतना जोर से धक्का क्यों दिया हमें? उस दर्द का यहाँ इस्तेमाल करो, दिल के ऊपर हाथ रखो। वो तो हम कर ही रहे, पर ये तो बताओ जीजी, हमने एक्टिंग कैसे की गिरने की? अरे बहुत अच्छा कर रही हो, करती रहो ऐसे ही। बहुत दर्द कर रहा है, मर जाएंगे। जी जी, सांस नहीं ले पा रहे। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? हमें बचा लो बेटा। आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए। नानी हम मर जाएंगे। एक मिनट, हम अभी है। अच्छी क्यों कर रहे हैं? अच्छी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा धीरे। क्या करेंगे जी जी? क्या करी दादी? हमें स्कूल में टीचर ने बताया था कि स्टील मलने से आराम मिलेगा थोड़ा, इसलिए। बहुत दर्द हो रहा है। अरे धानी, डॉक्टर कब आएगी? तो जा रही होंगी। नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के आने से पहले हम मर जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप, कुछ नहीं होगा आपको। आ रही है धानी ने कहा ना, आ रही है डॉक्टर। बुआ जी, आप उनका हाथ मलते रहिए। हमें पानी तो पिलाइए। पानी भी ले आना धानी। अच्छी एक्टिंग करे ना। हाँ लेकिन ढंग से करो, उसे पता चल जाएगा। ज्यादा इतना मत। अरे तुम इतनी गुदगुदी हो रही थी पैर में, क्या करेंगे हम? हेलो हेलो मैम, हम ऑफिस के मैनेजर शर्मा बोल रहे हैं। डील होने वाली है, आप कब तक आ रही हैं? देखिए हम अभी नहीं आ सकते, आप प्लीज वहाँ संभाल लीजिए सब कुछ, ओके? लेकिन मैम आज आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक इमरजेंसी, हम नहीं आ सकते, प्लीज प्लीज सॉरी। हमारा जी घबरा रहा है, लगता है भोलेनाथ हमें बुला रहे हैं। डॉक्टर कब आएंगे? डॉक्टर धानी कहाँ है? बस आती होगी, आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम मर जाएंगे धानी। क्या बोला बे? हमने कहा कि दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी को चोट लग गई है। तो तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ क्या लगती है तेरी? हमारे चाहे जो भी हो, तुझे उससे क्या? गलती की है ना तूने, तो माफी मांग। माफी? अगर तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, चल पीछे हट जा। हेड बोला ना, हमारी वजह से इनको चोट लगी है ना, अब हम इनको लेके जाएंगे हमारे साथ और इनकी अच्छे से मरहम पट्टी करेंगे। एकदम अच्छे से।
तुम ठीक हो ना सृष्टि? रिलैक्स, घबराओ मत, सब ठीक है। वो लोग जा चुके हैं, जस्ट रिलैक्स। हाँ, बहुत घबराहट हो रही है। बस बस पानी पानी, थोड़ा सबर करो। डॉक्टर साहब ऊपर ले चलते हैं कमरे में, आराम से देख लीजिए। चलो ऊपर, चलो धीरे से, आराम से, आराम से। किधर कमरा है? क्या करे, कहाँ लेट जाए? घबराओ मत, सांस नहीं ले पा रहे हम। हमें बहुत घबराहट हो रही है। Number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. The number you are trying to call is out of coverage area. Oh, क्यों नहीं लग रहा ध्रुव जी का? पापा और अभिषेक भैया तो फ्लाइट में, क्या करें हम? बचे हम अभी हैं। बेटा जल्दी आना वरना हम मर जाएंगे। क्या हो रहा है ये सब? आपको तो दिल का दौरा पड़ा था ना? दिल का दौरा नहीं, घुटनों का दौरा पड़ा था, वो भी हमारी जीजी की वजह से। आपने हमें सीढ़ियों से इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? हम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे ना, हमें सच में लग जाती तो हम कहीं मर जाते तो। चुप 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 हो जाओ, ताली बाहर ही खड़ी है बस। जब आप ठीक थे तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आइए, रुकिए। लो ये 2,000 रुपये तुम्हारी फीस और ये 10,000 रुपये तोहफे के। और सुनो, तुमको बस हमारी बहू से ये कहना है कि रूपा को सच में दिल का दौरा पड़ा था, बस। आओ। रूप जी, आपको तो चोट लगी है। सिस्टर इच्छो के बस, छोटी सी घर हो जाए और कुछ नहीं। चलिए हमारे साथ। भैया जरा हल्दी लाना जल्दी। बस प्लीज रहने दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। रुक जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हम आपका ख्याल भी नहीं रख सकते? इतना भी हक नहीं है क्या हमारा? रुक जी प्लीज शांत हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे दूर चले जाएं, तो ठीक है, हम आपसे दूर चले जाएंगे। हम जानते हैं धानी को, वो पीछे नहीं हटेगी। हम दोनों एक दूसरे से कितना भी प्यार कर ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी, और इसके वजह से आपको बहुत तकलीफ होगी। और आपकी तकलीफ हमें बर्दाश्त नहीं होगी।